जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्रस की ओर से 100 लैपटॉप्स यानी 300 लैपटॉप्स ये तीनों पोर्ट्रस की ओर से शहीदों की बेटियों के पास पहुंचने का प्रयास आज हम शुरू करने वाले हैं, जिससे प्रतीकात्मक रूप में आज यहाँ पर 5 बच्चियां उपस्थित है, उनको वो हम देंगे। वैसे तो आप सभी ने देखा होगा कि वन फॉर ऑल कार्यक्रम के पश्चात पूरे देश भर में मैंने और कर्नल राजेश सर के साथ हमने प्रवास किया, दौरा किया, सिक्किम तक हम पहुंच गए, यानी सिक्किम से लेके मणिपुर, मणिपुर से दिमापुर, दिमापुर से अलग अलग जगहों पे जंगलों तक हम पहुंचे। और ये परिस्थिति जानने के बाद ये लगा कि हमारे वीर सैनिकों के घरों तक पहुंच के उनको मदद करने का एक जरिया अथर्व फाउंडेशन ने बनाया है। वैसे हम पिछले महीने हम गए थे नागालैंड, नागालैंड से दिमापुर, दिमापुर से मणिपुर, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से लेके मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी राज्यों का दौरा हम करने वाले हैं। जैसे हम राजस्थान गए थे तो ये पता लगा कि जैसलमेर के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव में 1965 का एक सैनिक रहता है। और विशेष रुचि ये थी कि जब हम उनके गांव में पहुंचे तो 1965 के युद्ध में घायल होने के पश्चात उस सैनिक के दोनों आंखें चली गई। यानी मैं और कर्नल राजे उस गांव में जब पहुंचे, उनके घर में जब पहुंचे, तो ये पता लगा कि वो सैनिक अपने सर पे वो जो मुंडा सा राजस्थानी लोग बांधते हैं वो बांध के हमारे इंतजार में बैठे थे। 1965 से लेके 2018 तक विचार करो, करीबन 53 साल हो गए। हिंदुस्तान के लिए लड़ते समय अपने दोनों आंखें खोने के बाद 53 साल तक सीने में झंडा लगाते हुए वो व्यक्ति राजस्थान के जैसलमेर के गांव में बैठा है, ये सोचते हुए कि मेरा देश हिंदुस्तान है, ये देश के लिए जब तक मैं जिंदा हूं मैं काम करते रहूंगा। दोनों आंखें चली गई तो क्या, विचार करो, ऐसे लोग इस देश में है, इनको मिलना ये सौभाग्य हमें मिलता है क्योंकि हम इनके लिए काम करते हैं। यानी जब इनके घरों में आप चले जाते हो तो ये पता लगता है कि ऐसे कैसा देश है। इस देश में इतनी देशभक्ति, इतना देश प्रेम, इतना साहस, इतना त्याग, इतनी शूरता, इतनी वीरता, इतना लेते हुए ये अपना जवान काम करता है, आगे चलता है। हम जब और दूसरे गांव तक चले गए तो दूसरे गांव में एक हमने पुतला देखा हमारे शहीद जवान का, जिसका नाम था प्रभु सिंह। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जब ये प्रभु सिंह का शव अपने तरफ आया तब उसका सर कलम कर दिया था।
तो ऐसे जगहों पे गए जहां पर वीरता और साहस का प्रतीक गांव गांव में है। तो मुझे लगता है कि ये सब काम अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से गांव गांव जाने का होता है। अब आने वाले समय में 31 जनवरी को पुनः एक बार हमारे सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होगा। हमारे शूर वीरों की जो कथाएं हैं, गाथाएं हैं, ये गाथाएं आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करते हैं। जैसे आज हमारे साथ विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी यहां पर उपस्थित है। 1962 और 1965 ये दोनों युद्ध में उनको महावीर चक्र मिला है। विचार करो कि ये बात इतनी कठिन होती है कि इतने साल होने के पश्चात ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति अपने देश में है जिनका नाम यह है विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी। सिर्फ एक व्यक्ति दो महावीर चक्र, करीबन 25,000 लोगों की उपस्थिति वहां पर दर्ज कराई गई थी। और इस बार जैसे पिछले बार हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी, हमारे जीओसी तभी के लेफ्टिनेंट जनरल श्री विश्वंबर सिंह जी, हमारे राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, ऐसे बहुत सारे नामी हस्तियां वहां पर महानुभाव उपस्थित थे। आज मुझे सुबह हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया जी नायडू, इनके यहाँ से टेलीफोन आया और उन्होंने कहा, उनके सेक्रेटरी ने, कि आने वाले 31 जनवरी को वन फॉर ऑल फॉर वन के अथर्व फाउंडेशन के कार्यक्रम में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने ये संदेशा भेजा है कि वो यहाँ पर मुख्य अतिथि इस रूप में उपस्थित होंगे। यानी इस बारे में ये जानकारी मैं पहली बार आपको दे रहा हूँ। वैसे ही इस कार्यक्रम में पुनः एक बार नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, नागालैंड के गवर्नर आदरणीय श्री पद्मनाभ आचार्य जी, हमारे यहाँ के जीओसी श्री एस के पराशर, चले जाओ तो वहाँ पर स्कूल में बैठे हुए बच्चियों के पास एक कंप्यूटर होता है। और वैसे देखने के पश्चात हमने ये तय किया कि पूरे हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से जो हमारे शहीद हुए हैं उनके घर में जितनी बेटियां हैं उन बेटियों को पढ़ाने का निर्णय अथर्व फाउंडेशन ने लिया है। इसके लिए पहले तहत इन शहीदों को, इन बेटियों को लैपटॉप का वितरण करने का एक प्रयास हमने शुरू किया, जिसकी स्लाइड आप सभी ने देखी होगी, 100 कंप्यूटर्स 100 डेज टू मार्टियर्स डॉटर्स। तो हमने ये सोचा था कि हम 100 तक करेंगे, लेकिन लोगों का उत्साह, विशेष रूप से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो हमारे आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में शिपिंग मिनिस्ट्री है, उनके अध्यक्ष, उनके उपाध्यक्ष, इन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी रुचि बढ़ाई, इन्होंने कहा इस देश के लिए जितना हम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार है। तो मैं विशेष रूप से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के यहाँ पर उपाध्यक्ष आज आए हैं श्री यशोधन वानगे जी और अध्यक्ष श्री संजय भाटिया जी का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय गडकरी, सबसे पहले मैं सुनील राणे जी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जो बीड़ा इन्होंने उठाया है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, उन शहीदों के नाम जिनकी कुर्बानियां शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, पीएस तारापुर, हवलदार अब्दुल हमीद से कम नहीं है। सबसे प्यारी चीज इंसान की जान होती है, और वतन की रक्षा के लिए अगर कोई अपनी जान देता है तो उससे बड़ी कुर्बानियां कोई है नहीं। उन शहीदों को याद करना, उन शहीदों की बहादुरी का वर्णन करना और उन शहीदों की बेटियों, उनके परिवारों का ख्याल रखना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी देश सेवा को हो ही नहीं सकती। ये निस्वार्थ सेवा है। इंसान में और अल्लाह में, भगवान में, परमात्मा में एक ही फर्क है कि इंसान गए हुए बंदे को वापस नहीं ला सकता, लेकिन वो जो वापस अपनी फैमिली छोड़ गया है, अपने बच्चों को छोड़ गया है, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में हम सोच सकते हैं, और ना सिर्फ सोच सकते हैं बल्कि हमारा फर्ज है
उनकी एक एक बात का ख्याल रखना। ये जो बच्चियां हैं ये सिर्फ एक फौजी की बेटी नहीं है, ये पूरे मुल्क की बेटी है, ये हम सब की बेटी है। तो हम सब का फर्ज है जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए जान दी है उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है और ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। तो मैं सुनील राणे जी को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारा ताल्लुक शो बिजनेस से है, हम टीवी से हों या हमारा ताल्लुक फिल्म से हो, इस काम में हम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बता गए। ये जो आप काम कर रहे हैं अथर्वा फाउंडेशन सुनील राणे जी की अगुवाई में, मैं फिर एक बार दोहराता हूं अपनी बात कि इससे नेक काम, इससे बड़ा देशभक्ति का काम और कोई हो नहीं सकता। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि किरतों को थामने साथी। तो मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूं और जो 31 जनवरी के प्रोग्राम का एहतमाम किया है आपने, मैं तमाम मुंबईकर से दरख्वास्त करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शिरकत करके उस प्रोग्राम को आप कामयाब बनाएं, उन शहीदों को याद करें। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, उस प्रोग्राम की जो खास बात यह है कि उन शहीदों की जिंदगी के बारे में, उनकी वीर गाथा के बारे में, उनकी वीरता के बारे में हम बताएंगे दर्शकों को किस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और किस तरीके से वतन की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो आखिर में यही कहूंगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और आखिर में ये कहूंगा विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी से कि आपने देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए जो वीरता का मुजाहरा किया है, मुझे फख्र है कि आज मैं आपको खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुझे फख्र है कि आज मैं आपके पास बैठा हूं और मुझे फख्र है कि आपकी आवाज मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अहम दिन है विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी, और आपके साथ बैठकर जो मुझे खुशी हो रही है, मेरे अल्फाज हकीर पड़ रहे हैं उन खुशियों को बताने के लिए, आई एम जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. Raza Murad, Mahima Chaudhary, all dignitaries on the dais and off the dais. Now, every soldier has a place in the heart of every Indian, and there's an emotional bond between the soldier and the Indian national. But when you hear the stories of their valor and bravery and their supreme sacrifices from likes of Mr. Rane or Brigadier Vasant Patil, your eyes become moist and you get goosebumps. So naturally, when Mr. Sunil Rane, who is incidentally the trustee of Mumbai Port Trust, came up with idea of giving 100 laptops to the daughters of the martyrs, chairman and me, we immediately said yes, because there is an emotional bond that has to be complemented by material action from our side. So naturally, when the sacrifice is made by the soldier on the border, it is our supreme duty to look after the family of the martyr. Because of the vigil of the soldier, we Indians get a sound sleep at our home. And because of your supreme sacrifices, we can do our businesses, because we won't get our
ships, we won't have any import export unless if there is no peace at the border. So naturally it is our duty to look after the brave soldiers in whatever small way we can. It's not that we are saying we are doing something big, but it's a symbolic gesture, yes. And that's why we immediately committed 100 laptops from Mumbai port side. Immediately, I mean, it is heartening to know that Deen Dayal Port Trust, that is Kandla Port Trust, immediately joined with another 100 computers, 100 laptops, and another 100 laptops came from the JNPT. So we have 300 laptops, and we hope that there will be many more because we have 12 major ports. So target of Mr. Rane of 1000 computers or 1000 laptops will be immediately fulfilled. So I'm happy to be here and part of this initiative of Atharva Foundation, and we are happy to join with him in his initiative. I am all the best for his 31st January program, and we'll be there to hear untold stories of martyrs from Mr. Rane and all the dignitaries there. Thank you very much. He's in the army. I think today, five times, like Jagmohanji's eyes became moist-minded. It's wonderful. I'd like to applaud that. I'd like to salute everyone who has served in the army, who is serving in the army, who has dreams of being part of the army. And the endeavor of this whole show is something that I appreciate, which we are going to have on the 31st. Because as much as the foundation, Atharva Foundation, is doing to support all the army officers' families, it's also about telling their stories, which brings us so much closer. We all feel for the army, and this just brings us so much closer and also allows so many people to give in their support, like your friend has called this morning to give his support to two daughters right now. So I'm looking forward to the 31st, and I must say that today is going to be a great selfie moment with you, sir, Jagmohanji. So after this whole show is over, I'd like to get my biggest selfie of a lifetime. Thank you so much for having me. सुनील राणे जी से प्रेरित होकर आप हमारे साथ इस मुख्य धारा में आ जाएं, क्योंकि जिन्होंने हुब्बे वतन का मदा शबाब में, जिन्होंने हुब्बे वतन का मदा शबाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे रहे ना रहे, जिन्होंने हुब्बे वतन का मदा शबाब में, शादमान और आबाद वतन हमेशा रहे, शादमान और आबाद हमारा क्या है अगर हम रहे रहे ना रहे। साहब, फॉर मेकिंग सच एन इनक्रेडिबल इनिशिएटिव हैपन, यू नो एवरी सोल्जर नोज दैट अ बैटल इज फर्स्ट वन इन द माइंड, एंड स्ट्रेंजली सर सेड दैट ही इज गोइंग टू बी सेंडिंग सम पीपल टू देहरादून एंड सपोर्टिंग देयर एजुकेशन. So I'll tell you, ironically, I studied in Dehradun in Vellum Boys School, and my local guardian was a gentleman called Fardoon Billamoria, General Fardoon Billamoria. So I had a lot of education from him about the army, and it's a real honor, sir, to be amongst you, and thank you for your service. I think every army man knows till he has blood in his veins, till he has wind in his lungs, he will always fight for his country. I think it's about time that this patriotism, the very fact that they are willing to go into a battle without knowing whether they come back or not, this feeling and this sacrifice must be immortalized. Heroes like Sri Jagmohanji, Sri Vasant Patilji must be immortalized. The youth of the nation must know that men like this lived, that men like this fought for their country, that men like this are true to the honor of what they project for their country. I'd like to thank Mr. Sunil Rane sir for, you know, creating this education by giving a laptop. You know, I mean, today
You know, when you give a laptop to a child, you're actually giving a bunch of opportunities. You're giving a university, you're giving a school. Congratulations to you in the Bame sector. But I'll just tell you a few things what I experienced during the 71 operations. Rajasthan is a very difficult area to operate. It was a myth to operate in Rajasthan and advance into the thick of the deserts. In 1971, we were given a task, firstly 10 para commandos to capture Chachro, and we were supposed to go to a place called Munabao, that is our Indian border, cross the Indian border and attack into the Pakistani territory. We started our march and attacked the Pakistani territory, and we entered Pakistan in during about 10 to 12 days of operation, about 70 kilometers inside, fighting a battle, a very famous battle of Parbat Ali, which was the highest sand dune or highest hill feature of Rajasthan. We had a lot of casualties. We were walking through the minefields. Minefields are difficult to cross through. Our soldiers, daredevil soldiers, were going through all the things. In fact, we didn't have water to drink. 3 days of our time, we didn't have water. We were surrounded by Pakistani troops, but we took out our seats and started marching towards the, advanced towards Hyderabad. We crossed Parbat Ali, that was the point where we would have gone to Hyderabad and captured Hyderabad also. In the same time, there were troops leading towards Karachi from naval side, Lahore and other allied major cities of Pakistan. But for Indira Gandhi ordering a ceasefire, we would have captured Pakistan in 71 operations. As Wing Commander Jagmohan Nath has said, our war has not lasted more than about 10 to 12 days. Unfortunately, we sacrificed for the nation. Nation is the prime important thing for us. When we wear uniform, it is our prime important duty to save the nation, safety of the nation is a prime thing for us. We don't look backwards, we look forward. We look for the country's safety, security. Whether it is a terrorist organization, whether we are fighting against them, whether it is the enemy we are fighting against them, whether we are fighting with China and other, you know, literal countries. Now, Mr. Sunil Rane has taken this project, and I am very happy to say this is the only foundation, which I'll say Atharva Foundation, is doing a something which is unique to the entire country. Doing the मेरा गला सूख गया है कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ आपको. इतना कहना जरूरी है कि लड़ाई हमारी जो हुई है बहुत कम दिनों में हुई है, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन. ऐसा नहीं था जैसे कि दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सारों चली रहे, और वहाँ पर जितने भी लोग थे या उनको खुद ऊपर से बॉम्बिंग होती थी या उनके अपने रिश्तेदार लड़ाई लड़ते थे, तो सारे मुल्क को आर्म्ड सर्विसेज के साथ में लगाव था. हमारी लड़ाई कुछ कम है, 15 दिन 20 दिन इस तरह से, और जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी कुछ प्रायोरिटीज अलग रही है. तो हमारे बारे में, आर्म सर्विसेज के बारे में उनके दिल में प्यार है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे वो. और जो इन्होंने ये जो किया है, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि अथर्वा का जो ये जो फंक्शन ये है, तो ये इतने सालों से इसका होना चाहिए था, और ये इन्होंने जो किया है, मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ और इतना ग्रेटफुल हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और जिस लेवल पे उन्होंने फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था पिछले साल, और जिस तरह से ये कर रहे हैं इधर, वाकई मैं हैरान हूँ. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम. एंड आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू व्हाट माय रोल वाज. ब्रीफली ऐसा था
कि मैं इंटेलिजेंस लाता था अपने मुल्क के लिए, इंफॉर्मेशन कि कहाँ पर उनकी आर्मी कहाँ पर है, कहाँ झगड़ा करने वाले हैं, क्या हो रहा है, और मेरा काम था रिकॉनसेंस एरोप्लेन को चलाने के लिए जिसमें कैमराज लगे रहते हैं और वो टेलीफोटो कैमराज की इतनी फोकल लेंथ होती थी 4-5 फुट वगैरह कि 40,000 फुट से अगर तस्वीर खींचते हैं तो कार के नंबर प्लेट पढ़ सकते थे उसमें। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन जो मिलती थी इतनी रियल इंफॉर्मेशन थी कि जिसके ऊपर वो पूरा भरोसा कर सकते थे प्लानिंग के लिए, आर्मी के लिए और जो अपने पॉलिटिशियंस हैं सब सब के लिए बिल्कुल पक्की इंफॉर्मेशन मिलती थी। आदमी की शक्ल नज़र आती थी उन तस्वीरों में 40,000 फुट से आप खेलते हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन देनी मिलने के लिए। और मेरा काम यह था कि सारा वक्त जहाँ भी कुछ गड़बड़ होने वाली है वहाँ जाके तस्वीर खींचूँ, झगड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा तब भी तस्वीर खींचना ज़रूरी था क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं कर सकते जब तक आपको मालूम ना हो कि सामने क्या देखा। और इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि 1965 की लड़ाई जो हुई है उसके उस पर काफ़ी पहले से हम लगे हुए थे तस्वीरें खींचते, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ये पूरी बातें हुई हैं। तो इतने बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरी आई वॉज वेरी लकी, मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मैं देख रहा था कि किस तरह से हो रहा है, आर्मी क्या कर रही है, क्या बात है, और पक्की बात जिसमें कोई शक नहीं था किसी, क्योंकि तस्वीर में सब चीज आप देख सकते क्या हो रहा है। तो लड़ाई होने से पहले इंफॉर्मेशन होती थी और लड़ाई होने के बीच में लड़ाई देखते थे उसके बाद में, तो आई वॉज हैविंग ए ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ एवरीथिंग ऑफ व्हाट ऑल वाज हैपनिंग एंड आई कुड राइट क्वाइट अ लॉट अबाउट आवर हिस्ट्री फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड रिकॉग्निशंस 1962 से। अब मैं और क्या बोलूँ आपको, आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू यू वंस अगेन, बड़ी आपकी मेहरबानी। विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी के बारे में और आपको अथर्व फाउंडेशन की ओर से आज एक वार्तालाप का आयोजन हमने किया था। आप सभी जानते हो 31 जनवरी 2019 को पुनः एक बार अथर्व फाउंडेशन अपने शहीद जवानों की अनसुनी कहानियाँ या अनसुनी गाथाएँ सुनाने के लिए पुनः एक बार NSCI के स्टेडियम में 25,000 लोगों के साथ उपस्थित होगा। और मुझे ये जाहिर करते समय बहुत खुशी होती है कि इस बार 31 जनवरी 2019 को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति सन्माननीय श्री वेंकैया नायडू जी उपस्थित होंगे। आदरणीय श्री गडकरी जी इस कार्यक्रम में अतिथि होंगे, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस होंगे, उसी के साथ साथ नागालैंड के राज्यपाल श्री पद्मनाभ आचार्य जी भी उपस्थित होंगे। आज आप सभी ने देखा कि हमने एक नया कार्यक्रम शुरुआत की है कि हमारे देश के शहीदों की बेटियों को हमने कंप्यूटर देने का कार्यक्रम आज शुरू किया है। पहले 100 कंप्यूटर का वितरण आज से शुरू हो गया है। मुंबई पोर्ट्रस के माध्यम से 100 कंप्यूटर्स, कांडला पोर्ट्रस की ओर से 100 कंप्यूटर्स और जैन पोर्ट्रस की ओर से 100 कंप्यूटर्स, यानी 300 लैपटॉप का वितरण आज से शुरू हो गया है। मैं मानता हूँ कि देश में शहीदों ने किया हुआ काम, ये देश आज सुरक्षित है क्योंकि हमारे जवान, हमारे पुलिस, हमारे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन सभी जाबाज सिपाहियों से अपना देश सुरक्षित है। और ये कार्यक्रम हम जो करने वाले हैं ये देश के शहीदों के नाम ये कार्यक्रम होगा। वैसे मैंने कहा कि 300 की सूची तो जारी हो चुकी है, पहले 100 हमने अलग अलग राज्यों में से, अलग अलग गांव में से, अलग अलग जिलाओं में से उसकी सूची हमने जाहिर की है। मुझे लगता है करीबन आने वाले 6 महीनों में हम 1,000 तक पहुँचेंगे। नहीं, सपोर्ट नहीं करती ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने शहीदों के लिए बहुत मदद करती है। शहीदों को मदद करने के बारे में कोई भी सरकार कभी भी पीछे नहीं रहती। जो प्रश्न उठाया गया था वो ये था कि मदद और होनी चाहिए,
जिसमें लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि शहीदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मदद हो जाए। जैसे पहले मैंने कहा था कि ये साल 2018 में हमने जनवरी में महाराष्ट्र में शहीदों को 8.5 लाख रुपए मिलते थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी मांग मान्य करते हुए उसको 25 लाख किया था। आने वाले 31 जनवरी 2019 को भी हम नए सिरे से मांग करेंगे कि हमारे शहीदों के ऊपर राज्य की सरकार नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियनाइज्ड 24 न्यूज। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, क्लिक ऑन द लाइक बटन, मस्ट डू शेयर द लिंक। थैंक यू।